यस हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू मार्गदर्शन। सो गाइस, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने फिर से अपनी वैकेंसी आउट कर दी है। ये जो वैकेंसी आई है फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए टोटल आपकी 428 सीट्स आपकी आ चुकी है। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं मेरे स्क्रीन के ऊपर में mahatransco.co.in पर यह वैकेंसी आई हुई है। अब इसमें कौन एलिजिबल है, तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो वैकेंसी आई है इसमें सिर्फ महाराष्ट्र के जो डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स है वही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बाकी के अदर स्टेट्स वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो चलते हैं गाइस, क्या नोटिफिकेशन है, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस, जैसे कि इस पेज पे आप लोग क्लिक करेंगे तो नीचे में थोड़ा स्लाइड करिए, आप लोग को रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन पे आप लोग को क्लिक करना है। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन पे आप लोग जैसे ही क्लिक करते तो आपको थोड़ा सा नीचे स्लाइड करना है एंड एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर ट्रांसमिशन टेलीकम्युनिकेशन एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2024 पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग को ये नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट आपका ओपन हो जाएगा। अब चलते हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में एनालाइज करते हैं कि कितने वैकेंसीज कहाँ कहाँ पे और कब आई है। तो गाइस, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, कंपनी प्रोफाइल है महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड महाट्रांसको होली ओन्ड कॉर्पोरेट एंटिटी अंडर द महाराष्ट्र गवर्नमेंट वॉज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट इन जून 2005। पोस्ट वैकेंसी एंड रिजर्वेशन की बात करें तो एससी में टोटल 50 पोस्ट आई है, एसटी में टोटल 32 पोस्ट आई है, बीजे ए में 13 सीट्स, एनटीबी में 10 सीट्स, एनटीसी में 14 सीट्स, एनटीडी में 7 सीट्स, एसबीसी में टोटल 5 सीट्स, ओबीसी में 91, एसईबीसी 42, ईडब्ल्यूएस 42 एंड ओपन में 113, टोटल 419 सीट्स यहां पे आई है फॉर असिस्टेंट इंजीनियर ट्रांसमिशन। इफ आई टॉक अबाउट द असिस्टेंट इंजीनियर टेलीकम्युनिकेशन तो वहां पे एससी में 1 सीट आई है, ओबीसी में ओपन में टोटल 6 सीट्स आई है, टोटल आपकी 9 सीट्स हो गई। अब गाइस, ये क्या है, बीजे ए, एनटीबी, एनटीसी, एनटीडी, एसबीसी, ओबीसी, एसईबीसी, एडब्ल्यू, एसईबीसी, तो ये गाइस गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के अंदर में जो सब कैटेगरीज होती है, जैसे कि फॉर एंटी नोमैडिक ट्राइब्स तो ये उनको दिया हुआ है, एसईबीसी इज द अदर कैटेगरी ऑफ ओबीसी, तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर में आती है ये कैटेगरीज। तो टोटली ये जो रिक्रूटमेंट है ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ही है एंड महाराष्ट्र के लिए ही रिक्रूटमेंट है। अब चलते हम लोग आगे, पे स्केल आपका क्या होगा, तो पे स्केल विल बी इन द रेंज ऑफ 49,210 से लेकर 119,315 रुपीज। मंथली ग्रॉस एमोलमेंट्स की बात करें तो 84,407 रुपीज आपका रहेगा मंथली ग्रॉस एमोलमेंट। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप लोगों ने अगर बैचलर्स डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और टेक्नोलॉजी कर रखी है तो आप लोग इसमें एलिजिबल है फॉर असिस्टेंट इंजीनियर ट्रांसमिशन। अगर आप लोगों ने इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन कर रखा है तो आप लोग असिस्टेंट इंजीनियर टेलीकम्युनिकेशन में अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से किया तो भी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नो वर्क एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड, आपको यहाँ पे कोई भी वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। अपर एज लिमिट की बात करें तो 38 इयर्स फॉर ओपन, एसईबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 43 इयर्स है एंड पीडब्ल्यूडी के लिए 45 इयर्स है, स्पोर्ट्स कोटा वालों के लिए 43 इयर्स है एंड जो एमएसटीसीएल के एम्प्लॉयज है उनके लिए 57 इयर्स का है। रिजर्वेशन की बात करें तो द पोस्ट शुड बी डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। आप लोग को कास्ट सर्टिफिकेट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका स्टेट का होना चाहिए जो कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का है। अभी तक के आप लोग जैसे अदर वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल एचपीसीएल आरसीएल, वहां पे आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का लगाते हो, बट यहाँ पे आपको स्टेट गवर्नमेंट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट एज वेल एज कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा एंड कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट आपकी होनी चाहिए। इवन आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है वो स्टेट लेवल का होना चाहिए और जो कि बन जाता है। आप इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सिलेक्शन प्रोसीजर गाइस, सिर्फ रिटन टेस्ट होगा, यहाँ पे कोई भी इंटरव्यू नहीं होने वाला है। अब रिटन टेस्ट कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ, रिटन टेस्ट का क्या फॉर्मेट है। तो रिटन टेस्ट विल बी बेसिकली ऑनलाइन टेस्ट जहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है। टेस्ट का जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे आपका प्रोफेशनल नॉलेज में टोटल 50 क्वेश्चन है जो कि 11 जिसके मार्क्स रहेंगे 110। जनरल एप्टीट्यूड में टोटल 3 सेक्शन है, एक है रीजनिंग, दूसरा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड तीसरा है मराठी लैंग्वेज। यहाँ पे मराठी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। तो एप्टीट्यूड में टोटल 40 क्वेश्चन रहेगा जिसका मार्क्स रहेगा 20, एप्टीट्यूड में टोटल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 20 क्वेश्चन है जिसके मार्क्स है 10, मराठी लैंग्वेज टोटल 20 क्वेश्चन टोटल मार्क्स है 10। टोटल मार्क्स की अगर मैं बात करूँ तो 150 मार्क्स है एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी 130
नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 फॉर टेक्निकल एंड 80 क्वेश्चंस फॉर द जनरल एप्टीट्यूड पार्ट। टाइम की बात करें तो 2 घंटे का आपका ये पेपर रहने वाला है। 1/4 मार्क्स विल बी द डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, पेनल्टी रहेगी। आप लोग ने कोई भी सेक्शन में, चाहे वो मराठी हो, एप्टीट्यूड हो, रीजनिंग हो, प्रोफेशनल नॉलेज, आप तो 0 या फिर 0 से कम स्कोर नहीं करना चाहिए, नहीं करना है। उसके बाद जो मार्क्स रहेगा वो 150 मार्क्स का है। अब 150 मार्क्स के अकॉर्डिंगली आपका मेरिट बनाया जाएगा 100 मार्क्स का। तो 100 मार्क्स में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके 30 मार्क्स का मतलब है 100 मार्क्स से 30 मार्क्स, इसका मतलब है कि 150 मार्क्स में टोटल आपको 45 मार्क्स, ये आपका मिनिमम क्राइटेरिया है। 45 मार्क्स आपके आने ही चाहिए इस पेपर में फॉर ओपन कैटेगरी, एंड 20 मार्क्स मतलब 30 मार्क्स आपके आने चाहिए जो भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। ऑनलाइन रिटन टेस्ट की बात करें तो आपके अहमदनगर, अमरावती, छत्रपति संभाजीनगर, चंद्रपुर, धुले, जलगांव, कोल्हापुर, लातूर, मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, ग्रेटर मुंबई, नागपुर, नांदेड़, नाशिक, पुणे, सांगली, सतारा, सोलापुर आपके सेंटर्स रहने वाले हैं। आगे हम लोग बात करें एप्लीकेशन फीस की बात करें तो एप्लीकेशन फीस इंक्लूडिंग जीएसटी जो कि ओपन कैटेगरी के लिए 700 रुपीज है, एंड जो कैटेगरी में बिलोंग करते हैं कास्ट कैटेगरी में SC/BC में EWS में ऑर्फन में उनका 350 है, एंड दिव्यांग लोगों के लिए दे नो नीड टू पे एनी ऑफ द एप्लीकेशन फीस। उसके बाद आपको एक चीज बहुत ध्यान रखनी है कि जो भी स्टूडेंट्स द कैंडिडेट्स विल नॉट बी परमिटेड टू अपेयर फॉर द ऑनलाइन रिटन टेस्ट विदाउट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। आप लोग के पास में कॉल लेटर होना चाहिए ऑफ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जो कि एडमिट कार्ड होता है आपका, ओरिजिनल फोटो आईडी, फोटो कॉपी आपके पास में होनी चाहिए। तो आप लोग ऐसे फटाफट से जाकर अप्लाई कर दीजिए। इसके पहले एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड जो कि आपका 500,000 रुपए का सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड है, जो कि आपको 500 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे आपको करके देना होगा। MSCTCL में आपको मिनिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर्स में आपको सर्व करना पड़ेगा। तो आप अगर आप लोग 5 साल के पहले अगर लिव कर देते तो आपको 5 लाख का बॉन्ड यहाँ पे आउट करना पड़ेगा। ऑनलाइन टेस्ट की बात करते अगस्त या सितंबर में आपकी ऑनलाइन टेस्ट हो सकती है। और एक और चीज सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि आप लोग दो में से लोग महाराष्ट्र होने ही चाहिए, अदरवाइज बाकी के स्टेट वाले प्लीज इसमें अप्लाई मत करिए। दूसरी चीज, आपको मराठी लैंग्वेज आपको आना चाहिए। आप लोग को ये मेंशन करना पड़ेगा कि जैसे कि आप लोग कोई CBSE से होगा या फिर स्टेट बोर्ड से होगा, स्टेट बोर्ड में बेसिकली मराठी लैंग्वेज तो होती है महाराष्ट्र में, बट कोई CBSE से बिलोंग करता है तो गाइस आप लोग को क्या करना होगा, आप लोग को प्रोफेसर ऑफ मराठी लैंग्वेज ऑफ कॉलेज इंस्टीट्यूट को आपको बताना पड़ेगा कि आप लोग इनको बताना पड़ेगा कि आप लोग मराठी को पढ़ सकते हैं, राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं प्रॉपरली, तभी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। द नॉलेज ऑफ मराठी इज वेरी डिजायरेबल। ओके तो गाइस फटाफट से जाकर इसे अप्लाई कर दीजिए। तो गाइस अगर आप लोग नए इस YouTube चैनल पे तो आप लोग गाइस जरूर लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में इस चैनल को, एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे गाइस।